नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे राजस्थान की चार विधानसभा सीटों के बारे में। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, कैसा रहा प्रचार और कौन उम्मीदवार है मजबूत स्थिति में। बने रहिए हमारे साथ। हंसराज जी, इस बार के घोषणा पत्र में क्या खास आपको लगा है? ऐसा है लखन जी, मैं डेली राजस्थान को बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसे मुद्दे को छुआ है कि जिसको छूते हुए लोगों में डर लगता है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि पहली बार एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र हो, चाहे कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र हो। आज सड़क पे रेडी पे काम करने वाले मजदूर की बात की जाने लगी है, आज जंगल जमीन जल की बात की जाने लगी है, आज नरेगा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात की जाने लगी है, आज गैस के सिलेंडर की बात की जाने लगी है, आज आम व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात की जाने लगी है, आम व्यक्ति को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले इसकी बात की जाने लगी है, यहां तक कि मैं तो कहता हूं कि रोजगार की गारंटी की बात की जाने लगी है, स्वास्थ्य की गारंटी की बात की जाने लगी है, शिक्षा की गारंटी की बात की जाने लगी है। ये जो जिम्मेदारियां ले रहे हैं, इस गारंटी शब्द को मैं जिम्मेदारी ज्यादा उचित समझूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं, कांग्रेस को भी साधुवाद देना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा साधुवाद देना चाहता हूं उन सामाजिक संगठनों को, कि चाहे वो डगर जैसी संस्था हो, चाहे राजस्थान में घुमंतू जातियों के लिए काम करने वाली जैसी संस्थाएं हो, या किसानों के हितों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हो, या जो जंगल और जमीन की के लिए जो काम करने वाली संस्थाएं, उन संस्थाओं की अवेयरनेस की वजह से मैं ये शब्द कहना उचित समझूंगा कि इनकी अवेयरनेस की वजह से, इनकी जागरूकता की वजह से आज सभी पार्टियां कमोबेश हाशिए पे आके खड़ी हुई है, और मतदाता उनके लिए प्रमुख हुआ है, किसान प्रमुख हुआ है, व्यापारी प्रमुख हुआ है, विद्यार्थी प्रमुख हुआ है, दलित प्रमुख हुआ है। तो क्यों नहीं, ये इनका हक है, कई सालों पहले दे जाना चाहिए था। 70-75 साल हो गए आजादी को, अब मैं देर आए दुरुस्त आए, मैं इसके लिए दोनों पार्टियों को साधुवाद देना चाहूंगा, और इसमें जो लीड लेती हुई पार्टियां हैं वही आगे आने वाली समय में अपनी सरकारें बनाएगी। मैं आप डेली राजस्थान न्यूज चैनल को इसके लिए पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। धन्यवाद, प्रणाम, जिंदाबाद।